गाइस वेलकम यू ऑल टू एग्जाम वॉरियर। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था मेमोनिक्स का जनवरी फरवरी और मार्च का फर्स्ट पार्ट, मतलब जनवरी और फरवरी का कंप्लीट हो चुका था एंड मार्च का हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे जो बाकी बचा हुआ मार्च एंड अप्रैल का जो महीना है उसको कैसे कैसे मेमोनिक्स के हिसाब से याद रखा जाए। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन ही हमारा है क्या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाते हो आप लोग? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कोई बता सकता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की अगर बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट में, ज्यादातर फॉरेस्ट में आप लोग देखोगे कि विंड मिल है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। हम लोग याद रखना है हम लोगों को कि फॉरेस्ट में क्या है, विंड मिल है। अगर विंड मिल है तो फिर विंड मिल से क्या आएगा? ये डब्ल्यू हट जाएगा क्योंकि ये मेमोनिक्स का कोड में तो था नहीं। आई वॉवल है, एन का कोड क्या है दो है, डी का कोड क्या है वन है, और एम का कोड तीन है। ठीक है, इतना दूरी लेना है क्योंकि एल अगर पांच ले रहे तो 35 मंथ तो होगा नहीं। ठीक है, चलो इससे पहले एक डंडा लगा दो, मतलब 21 मार्च को क्या है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट लेते हैं वर्ल्ड वाटर डे कब है? वर्ल्ड वाटर डे कब है, क्या आप बता सकते हो वर्ल्ड वाटर डे कब है? वर्ल्ड वाटर डे से हमें याद आया कि वाटर को अगर हम लोग नीम में मिला दे तो वाटर क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, प्योर हो जाता है। मतलब हम लोग इसे कोड लिखेंगे इन नीम। अगर इन नीम आपको याद आ जाए, मतलब वाटर से आपको क्या याद करना है, इन नीम, अगर इन नीम या आ जाए तो फिर आपका ये वाटर डे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन नीम के लिए क्या करेंगे, दो का कोड एन है, एन का कोड है टू, ई हटा। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा महीना, ठीक है 22, मतलब 22nd मार्च को क्या है, 22nd ऑफ मार्च को है वाटर डे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं तीसरा। भगत सिंह सुखदेव मार्टियर डे कब है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का मार्टियर डे कब है? सुखदेव और राजगुरु का मार्टियर डे कब है? मार्टियर डे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का मार्टियर डे कब है, किसी को पता है? चलिए कोई याद करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। चलिए कैसे आएगा इसमें, इन लोगों के नाम में ही कुछ अलग सा जुनून है, इन लोगों के नाम में कुछ अलग सा जुनून है। अब नाम में अगर जुनून है तो फिर बना दो इसका, नाम में इसका पीएमएस है, मेमोरी कोड क्या है नाम में से ही इसका कोड आएगा। नाम में से कैसा आएगा, एम का कोड क्या है दो, ए तो यहाँ पर बावल है हटेगा, एम का कोड क्या है तीन, और ये एम मतलब तीन, एक को छोड़ के उसके आगे डंडा लगा दो। 23rd ऑफ मार्च में क्या है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मार्टियर डे है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटलर्जिकल डे कब है? मेटलर्जिकल डे कब है? वर्ल्ड का मेटलर्जिकल डे कब है? मेटलर्जिकल डे से हमें पता चल गया कि मेटलर्जी कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं सब्जेक्ट है कोई, अगर कोई ये सब्जेक्ट है तो हमें ये सब्जेक्ट एक न्यू मैम पढ़ाने आई, न्यू मैम ये एक सब्जेक्ट पढ़ाने आई। कौन सी सब्जेक्ट, मेटलर्जी सब्जेक्ट कौन पढ़ाने आई, न्यू मैम।
अगर न्यू मैम सब्जेक्ट पढ़ाने आई तो एन का कोड क्या है? दो, ठीक है हटाओ इसको। एम का कोड क्या है? तीन, और एम का कोड क्या है? तीन। चलिए लास्ट को छोड़ के एक डंडा लगा दीजिए, यही है इंपॉर्टेंट, मतलब डेज ऑफ वर्ल्ड मेटलॉजिकल डे, यही है वर्ल्ड मेटलॉजिकल डे, मतलब 23rd ऑफ मार्च में है क्या वर्ल्ड मेटलॉजिक डे। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल टीवी डे। टीवी डे कब है? टीवी डे, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस डे कब है? टीवी डे कब है आप लोग बताओगे कि टीवी के लिए, मान लो कि ये टीवी एक नया डिजीज है, ठीक है एक नया डिजीज है, और ये नया डिजीज के लिए सरकार ने क्या बनाया? नियम लागू कराया, नियम लागू कराया, और नियम अगर लागू कराया तो फिर ये क्या होगा? नॉर्म्स, नॉर्म्स लागू कराया। अगर नॉर्म्स लागू कराया तो फिर इसका डेट कब है? एन का कोड दो, ओ हटेगा, आर का कोड चार, एम का कोड तीन, ठीक है तो लास्ट पे आगे डंडा लगा दो। 24 तारीख तीसरा महीना को क्या है? इंटरनेशनल टीवी डे है। 24th ऑफ मार्च, 24th ऑफ मार्च क्या है? इंटरनेशनल टीवी डे है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, इसको ऊपर ही लिख देते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड थिएटर डे, वर्ल्ड वर्ल्ड थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे। आपको कुछ याद नहीं रखना, अब बताइए कि वर्ल्ड थिएटर डे कब है? वर्ल्ड थिएटर डे की अगर बात की जाए तो ये जो थिएटर डे में है, थिएटर डे में सिनेमा हॉल लोग, मतलब सिनेमा हॉल बहुत इनकम करते हैं, इस दिन बहुत इनकम होता है। अच्छा कोई एक मूवी लगा होगा और अच्छा मूवी लगने के लिए इनकम हुआ होगा, कहाँ पर? थिएटर में। और थिएटर में अगर इनकम हुआ होगा तो फिर इनकम है इसका कोड, आप कैसे? एन का कोड दो, यहाँ पर आई वावल है, सी का कोड 7, ओ हटाओ इसको, हटाओ और लगा दो यहां से डंडा। 27 मार्च को क्या है? वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है इतना ही था हम लोग का मार्च का जो इंपॉर्टेंट डे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मार्च का, इतना ही था। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मार्च का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, मार्च का पार्ट 1 में 9 डेज थे, 9 डेज के बाद हम लोगों ने आज डिस्कस किया 5 से 6 डेज, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगला चलते हैं हम लोग अप्रैल का इंपॉर्टेंट डेज, अप्रैल का, चलिए अप्रैल का इंपॉर्टेंट डेज, अप्रैल का इंपॉर्टेंट डेज में पहला ही कौन सा आता है? बेवकूफ बनाने वाला दिन, बेवकूफ बनाने वाला दिन मतलब फुलिश डे, फुलिश डे सभी बनाते हैं ना अप्रैल फुल, वही अप्रैल फूल वाला दिन है, पहला अप्रैल। अब ये तो सबको याद होगा, मगर चलिए इसका भी कोड बना देते हैं। आपने क्या किया? आप किसी को बेवकूफ बना दिए और वो क्या हो गया? डर गया। बेवकूफ जैसे ही बना वो, मतलब कुछ ऐसा बात बोल दिए होंगे जिससे वो डर गया, ठीक है डरा, ठीक है वो क्या हुआ? डर गया। चलिए अगर डर गया तो फिर डी का कोड क्या है? एक, और आर का कोड मैंने इंपॉर्टेंट डेज जब मंथ जब ये किया था 2 3 4 5 ऐसे करके जब मंथ्स बताए थे तो आर का कोड क्या है? चार, और चार हमें डिस्क्राइब करता है क्या? अप्रैल महीना, और इसके पहले डंडा लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया? 1 अप्रैल को क्या है? फुलिश डे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे क्या कब है? ये सबसे इंपॉर्टेंट डेज है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस साल में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस का केस चल रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत, मतलब हेल्थ, हम लोग का हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग का ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से आने की बहुत संभावना है। चलिए वर्ल्ड हेल्थ डे में क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो इसका?
इसका ये है पीएमएस या फिर मेमोरी लिंक है की ओर। वर्ल्ड हेल्थ डे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, की ओर मतलब कोरोना वायरस का की ओर ढूंढने में लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो सी का कोड क्या है, 7R4। 7 तारीख, चौथा महीना, मतलब 7th of अप्रैल में क्या है, 7th of अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे है। चलिए आगे चलते हैं। बी आर अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे कब है? बी आर अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे है, इससे हमें पता चल गया कि बी आर अंबेडकर का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसमें दरार पड़ गया है, और दरार से मतलब डी का कोड 1, आर का कोड 4 और ई आर का कोड 4। ठीक है, डंडा लगा दीजिए। 14 अप्रैल को बी आर, 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे है। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, नेक्स्ट वर्ल्ड हेमोफीलिया, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब है? हेमोफीलिया में खून की कमी हो जाती है, मतलब खून क्लॉट नहीं हो पाता है, थक्का नहीं जमता है, और खून अगर थक्का नहीं जमता है तो अगर किसी का कट गया होगा तो फिर वो ब्लीड करने लगेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से आपने क्या किया, अपना खून देकर उसे हेल्प किया। ठीक है, अगर आपने अपना खून देकर उसके हेल्प किया तो ये देकर ही है इसका मतलब, ब्लड देकर आपने हेल्प किया, ब्लड देकर देकर आपने आपने क्या किया, हेल्प किया, और यही है देकर ही इसका है कोड। अब ये कैसे, डी का कोड है 1, ई हटाओ, के का कोड है 7, के का कोड 7 और आर का कोड है 4। 17 4 मतलब 17th of अप्रैल में क्या है, 17th of अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ओके वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है? वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है? आप मान लीजिए कि आजकल की लड़कियों के अंदर क्या है, लड़कियों के अंदर क्या आ गया है, तेवर आ गया है। ठीक है, और इन लोग का जो तेवर है ये क्या है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी है इन लोग के अंदर, हेरिडिटी है क्या लड़कियों में, तेवर, तेवर क्या है इन लोगों में, लड़कियों में हेरिडिटी है। ठीक है, अगर हेरिडिटी है तो चलिए इसका कोड, टी का कोड है 1, ई हटाओ, बी का कोड क्या है 8 और आर का कोड 4। 18 4 को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। आजकल के लड़कियों के अंदर तेवर आ गया है, और इन लोग का जो तेवर है वो इन लोग का हेरिडिटी है। ठीक है, इसको कभी आप लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। चलिए तो इससे आ गया क्या, वर्ल्ड हेरिटेज डे। आप कुछ भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हम लोग का वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब है? मान लीजिए कि विश्व में आपके नाना जी क्या है, हीरो है। आपके नाना क्या है, आपके नाना हीरो है, आपके नाना हीरो है, और आपके नाना अगर हीरो है तो फिर यहाँ से क्या आएगा, 2N का कोड 2, ये N का कोड 2, यहाँ पर ये वावल है हटेगा, H हटेगा, ई भी हटेगा, आर का कोड है 4। लास्ट के पहले एक डंडा लगा दो। तो 22nd of अप्रैल में क्या है, 22nd of अप्रैल में वर्ल्ड अर्थ डे है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड बुक डे एंड वर्ल्ड कॉपीराइट डे, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, वर्ल्ड बुक डे एंड वर्ल्ड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक डे एंड वर्ल्ड कॉपीराइट डे, इसको कैसे याद किया जाए, तो अनमेयर से ही याद हो सकता है।
अनमेयर, वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे। कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे को कैसे याद रखोगे? अनमेयर। अब ये थोड़ा सा हटके है, मतलब आप लोग सोचोगे कि इससे तो कभी कहीं ये लिंक नहीं किया, मगर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये अनमेयर का मतलब है तोड़ना, तोड़ना, ठीक है? तो अनमेयर का मतलब है तोड़ना। आपने क्या किया कॉपीराइट्स के रूल को, आपने क्या किया कॉपीराइट का रूल को क्या किया, तोड़ा, ठीक है? तो फिर ये क्या है अनमेयर, अनमेयर से इसका डेट आ जाएगा। कैसे अनमेयर से? ये तो वॉवल है, एन का कोड 2, एम का कोड 3, और यहाँ पर ये वॉवल है ये 4। 23, 23, 3rd of April, 3rd of April को क्या है वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे मार्च एंड अप्रैल का पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं तो वो सब कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा अप्रैल का, रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा फुलिश डे, जो कि फुलिश से कैसे क्या आया, फुलिश से हम लोगों ने बनाया, आपने क्या किया डरा दिया, ठीक है? इसका कोड यही है। आप लोग बस इसको आंख बंद करके एक बार रिकैप कर लो। डेट याद करने से तो अच्छा है कि मेमोनिक्स का कोड याद करना, ठीक है? याद भी नहीं करने की जरूरत है, जब भी क्वेश्चन दिखेगा तभी उसका आंसर आ जाएगा। चलिए वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या ढूंढ रहा है, कोरोना वायरस का क्योर ढूंढ रहा है, ठीक है? चलिए क्योर है इसका आंसर वर्ल्ड हेल्थ डे का। जलियांवाला बाग मज़ाकेयर में तुम्हारा हाथ है, जलियांवाला बाग मज़ाकेयर में तुम्हारा हाथ है। बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे में क्या हुआ, वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरार आ गया है, दरार से इसका बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, अगर हेमोफीलिया से किसी, मतलब किसी के अंदर हेमोफीलिया है तो फिर उसका अगर उंगली कट जाता है या फिर कहीं भी कट जाता है तो फिर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है तो आपने क्या किया ब्लड देके उसको हेल्प किया। वर्ल्ड हेरिटेज डे तेवर, चलिए वर्ल्ड अर्थ डे से आपके नाना हीरो है, नाना हीरो, ठीक है? यही है वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे से हम लोगों ने याद किया था आपने कॉपीराइट का नियम तोड़ा, अगर तोड़ा तो उसको इंग्लिश का वर्ड उसका है अनमेयर, अनमेयर से हम लोग वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मार्च एंड अप्रैल का सभी इम्पोर्टेंट डेज याद हो गए होंगे इसी क्लास के दौरान। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग मई का इम्पोर्टेंट डेज के साथ। ओके, बी सेफ, स्टे इन होम, थैंक यू।